आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है जब हैदराबाद भारत के हाथों से फिसल रहा था और हमारे नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू की सूझबूझ ने और हमारे मिलिट्री ने क्या पराक्रम दिखाया था और हैदराबाद को भारत के अंदर लेके आए थे। आजादी के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बात करेंगे। आप या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया, या भारत में रह सकते हैं या इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। सीधा सीधा विद्रोह कर दिया था हैदराबाद में कि हमको तो आजादी से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, चाहे जो हो। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन पोलो चलाया था और हैदराबाद अपने अधीन किया था। बड़ी जबरदस्त कहानी है, इस पूरी कहानी पर नजर डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। लेक्चर की पीडीएफ, लेक्चर की अपडेट्स आप यहाँ पे उठा सकते हैं और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है, सब पे पेनड्राइव कोर्सेस, सारे एग्जाम्स के पेनड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो भैया, इनको अवेल कीजिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए नोट्स बना के। चलिए बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने बैटल ऑफ तालिकोटा जब कवर की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से बहामानी किंगडम जो था 1490 से स्प्लिट होना शुरू हुआ था डेक्कन में और डेक्कन सल्तनत बना दी थी। 1518 तक ये पूरा कंप्लीट हो गया था। बहामानी की 5 ब्रांचेस निकली थी। बाद में ये चीज मुगल के अंडर आ गई थी। गोलकंडों को उन्होंने सीज कर लिया था 1687 आते आते, और पहला निजाम जो था कमरुद्दीन, जिसको आसफ जाह भी बोला जाता था, वो नियुक्त किया गया। मुगल ने उसको टाइटल दिया निजाम उल मुल्क, और हैदराबाद का जो इंडिपेंडेंस है, हैदराबाद की जो आजादी है 1724 में मिली। और 1798 आते आते ब्रिटिशर तो यहां पे आ ही गए थे, अपनी पैठ जमा ली थी, बैटल ऑफ स्वाली हमने कवर की थी। तो 1798 आते आते हैदराबाद जो था वो सीधा ब्रिटिश के अंदर आ गया था। दोस्तों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लाए थे सामने, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस के अंदर क्या था, कोई भी स्टेट एक दूसरे से ट्रीटी नहीं करेंगे, ये था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगी, आप जो हैं वो किसी भी और राज्य से मदद नहीं मांगेंगे अगर वॉर होती है। हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आपको हमको क्या देना है, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है, हमारी जो आर्मी है, आप उसका ख्याल रखेंगे। ख्याल रखेंगे आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, पेमेंट करेंगे उनको बकायदा, और अगर आपने पेमेंट नहीं की तो हम आपकी टेरिटरी को ले लेंगे। ये ब्रिटिश चालू लोग ऐसा बोलते थे। हैदराबाद पहला था जिसने मान लिया, प्रोटेक्शन में अंदर आ गया, प्रोटेक्शन के अंदर आ गया ब्रिटिश के। अब दोस्तों, इसमें खतरनाक बात यह है दोस्तों कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सेकेंड मराठा वॉर हुआ, थर्ड मराठा वॉर हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, हैदराबाद ने कभी भी इन चीजों को सपोर्ट नहीं किया, वो हमेशा ब्रिटिश का लॉयल रहा। खैर, उसमें भी कहानी है, उसके भी रीजंस हैं अलग अलग, लेकिन वो हमेशा ब्रिटिश का लॉयल रहा और इन चीजों को कभी सपोर्ट नहीं किया, तो ब्रिटिश के पूरी तरह से अधीन था। 1947 में जब आजादी मिलती है भारत को, उस समय तक जो सातवें निजाम था मीर उस्मान अली, उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती थी। तो जब भारत को आजादी मिली, मीर उस्मान अली और इसका जो प्राइम मिनिस्टर लैक अली और तीसरा नाम कासिम रिजवी, जो सीधा सरदार पटेल को धमकी दे आया था कि ऐसा है अगर आपने कुछ भी हमारे खिलाफ किया तो आप बचोगे नहीं, सरदार पटेल को धमकी दे रहे हैं ये, तो ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीर उस्मान अली, जो जब भारत को आजादी मिली थी तब निजाम था, तो मीर उस्मान अली ने सीधा बोल दिया था कि अब भारत को आजादी मिल गई है, इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको भारत में आने नियर है, कैसे हो सकता था ऐसा, भारत के अंदर आता है हैदराबाद, ये तो बिल्कुल कोई तुक नहीं बैठता है ना कि भारत के अंदर ही कोई देश, कोई स्टेट बोल रहा है कि हमको भारत से आजाद होना है, तो ये लॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल। तब लगा सरकार को कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब दोस्तों, क्या है इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था, देखिए इससे पहले की चीजें मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने और लेक्चर्स में इसको ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुका हूं कि कैबिनेट मिशन प्लान आया, दो पार्टीज थी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब बार बार प्रोविजन दिए जाते थे ब्रिटिशर द्वारा सरकार बनाने के, बार बार मुस्लिम लीग जो है वो इसको रिजेक्ट कर देती थी, कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही, कभी मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर रही है, बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती थी जितनी बार होता था। अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलता है, आप पार्टी बनाइए, और फिर 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, 15 अगस्त में, फिर 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिलती है। अब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो दो देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। दूसरी चीज क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और पंजाब इन दोनों स्टेट्स में होगा, ठीक है।
तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि प्रिंसली स्टेट्स या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या फिर इंडिपेंडेंट हो जाए, सबसे बड़ी दिक्कत यह थी। अब दोस्तों क्या है कि इसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स थी और अच्छी खासी अमीर थी, प्रिंस की स्टेट्स थी ना ये, हर रियासतों का एक राजा था। अब यहां पे इतनी बड़ी रियासतों को एक करना सिर्फ एक इंसान कर सकता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय के होम मिनिस्टर। ये गांधी जी ने भी कहा था कि खाली वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक जीनियस थे, उनको ये चीज पता थी कि कौन सी सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते थे, ठीक है, सही समय पे सही डिसीजन लेते थे। जवाहरलाल नेहरू का भी यही था, ठीक है, लेकिन सरदार पटेल का जो स्टैट्यूट था वो काफी बड़ा था, उनको होम मिनिस्टर बनाया गया। 565 रियासतों को उन्होंने पूरी जान लगा दी एक करने में, लेकिन हैदराबाद ने रिवोल्ट कर दिया। इससे पहले जूनागढ़ ने भी किया था, त्रावणकोर ने भी किया था, लेकिन उनको दबा दिया गया था। लेकिन हैदराबाद, क्योंकि इनकी अपनी आर्मी थी, ये बहुत अमीर था भैया, 9 करोड़ का सालाना रेवेन्यू था इनका उस समय, 9 करोड़, और इनका जो निजाम था उसकी गिनती सबसे अमीर लोगों में होती थी, तो ये इस चीज को इतना दबा नहीं पाए, बहुत ही गंभीर मुद्दा था दोस्तों। तो सरकार को भी यह पता था कि अगर इस पे जरा सी भी ढील दी तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए सरकार ने क्या बोला, हम एक साल तक आपको छुएंगे नहीं, परेशान मत होइए। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, हमें सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां पे मेजॉरिटी में हिंदू पॉपुलेशन थी, ठीक है, 85% हिंदू थे यहां पे सेंसस के मुताबिक, 1941 के सेंसस के मुताबिक। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उसी समय भारत ने मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नहीं किया, जैसा कि मैंने बताया कि उस समय देखिए इंटरनेशनल चीजों को बहुत ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, उस समय ये चीज सही नहीं लगी, जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा ही गंभीर मुद्दा था, भारत सरकार नहीं चाहता था। भारत सरकार बोल सकता था कि 85% तो यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है, हम मिलिट्री एक्शन करेंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान हवाला देता कि कश्मीर में, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान एक अलग देश हो गया था ना, कश्मीर में भी तो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो हमको दे दो फिर। तो इसलिए ये जो तर्क था ये थोड़ा सरकार ने सोचा कि अभी हम इसको आगे नहीं रखेंगे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दे दिया गया, हैदराबाद को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया गया। अब ये बोला इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे यही था कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा, आपके पास जो है वो आप रखिए, फिलहाल जैसी चीजें चली आ रही थी अभी तक वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये एक साल तक वैलिड था, याद रखिएगा। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली, सिर्फ एक साल तक वैलिड है, एक साल के बाद आपको डिसीजन बनाना होगा। हैदराबाद को भारतीय सरकार ने निरंतर अंतराल पे रियायतें दी हैं, लेकिन उस्मान अली का दिमाग फिर गया था, वो बस चाह रहा था कि हमको आजादी के सिवा कुछ भी मंजूर है ही नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, उसने भी उनका भी यही मानना था कि जब वो भारत छोड़ के जाएं तो इस हैदराबाद के इशू को तो पूरी तरह सॉल्व करके जाए, ठीक है। तो भैया सरदार पटेल को बहुत मान मनोवल के बाद उन्होंने मना लिया, रियायत दी कि आप अभी फिलहाल हैदराबाद को छोड़ दीजिए, और हैदराबाद को उस समय ये कंडीशन दे दी गई थी कि कोई बात नहीं, आप अपना कानून बनाइए, आर्मी भी रख सकते हैं, लेकिन आप भारत से अलग मत होइए। लेकिन 1948 जून आते आते उस्मान अली ने सीधा बोल दिया, हमको तो आज़ादी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे तीन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे पहले तो उस्मान अली जो कि निज़ाम ही है, दूसरा इनका प्राइम मिनिस्टर लैक अली, तीसरा कासिम रिजवी। जी हाँ, बड़ा फेमस नाम है ये कासिम रिजवी, क्रिमिनल था ये बेसिकली, ठीक है, नेता था ये MIM 1926 में मेन एम यही था कि किसी तरह से हैदराबाद की मुस्लिम पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए, बल्कि वहां पे हिंदू थी और हैदराबाद की आजादी के लिए हम लड़ेंगे। इसने एक आर्मी बना दी थी रजाकार्स। अच्छा, MIM का फुल फॉर्म है मजलिस इतानुद्दीन मुस्लिमीन पार्टी, ठीक है। तो MIM का ये उस समय प्रेसिडेंट बना, इसने उस्मान अली को पूरा भड़का दिया था, आस पास जो है उस्मान अली के इसने अपने लोग रख दिए थे। कासिम रिजवी बहुत कम्युनल इंसान था, कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देने में एक्सपर्ट, ठीक है। इसने रजाकार्स, जैसा कि मैंने बताया ना, अपनी आर्मी बना ली थी रजाकार्स, उनको बोला गया था, इसी रजाकार्स ने लूट, बलात्कार, क्रिमिनल जितने भी एक्ट्स होते हैं, गुंडागर्दी, कत्ल सब किए, ठीक है। हथियारबंद लोग थे, आर्मी थी कि अगर भारतीय आर्मी हमारे पास आती है तो हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं। उसके बाद फिर जब इंडियन मिलिट्री आई तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, कासिम रिजवी को धर दबोचा गया, जेल भेजा गया, उसके बाद इसको वापस पाकिस्तान में खदेड़ दिया गया कि जाओ पाकिस्तान में जाओ, ठीक है। तो ये चीज थी, कासिम रिजवी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकी दे के आ गया था वो, ये इंसान सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो सबसे पहले दोस्तों डिप्लोमेसी होती है, बातचीत से रास्तों को हल किया जाता है। अब क्या था कि दिल्ली में ये गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करने,
यहां पे समझौता करने नहीं गया था, धमकी देने गया था कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी आपने किया तो फिर आप देख लीजिएगा हम क्या करते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक्शन के लिए तैयार रहो। लगता है इसका दिमाग खो गया है, फिर गया है, जो यहां पे आके शेर को चुनौती दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये बातचीत का दौर जो है बाद में रिन्यू हुआ। जब निजाम को पता चल गया कि अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो खत्म होने वाला है, हमारी रियायत भी खत्म होने वाली है, हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम आज़ादी लेंगे, तो अब भारतीय सरकार मिलिट्री एक्शन करेगी, मिलिट्री एक्शन की तैयारी पूरी हो गई थी। तब यहाँ पे लैक अली जो इसका प्राइम मिनिस्टर था निजाम का, वो जाता है, बात करता है, ठीक है, लेकिन तब सरदार पटेल बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं होते और मिलिट्री एक्शन की पूरी तरह से तैयारी कर दी जाती और फाइनली साइन किया जाता। यहां पे क्या है ना दोस्तों, कि निरंतर अंतराल पे निजाम जो है ये कोशिश करता रहता है कि किसी तरह से बाहर से मदद मिल जाए। पाकिस्तान से इसको इनडायरेक्ट सपोर्ट है, ठीक है, पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता है, वो तो करेगा ही, ठीक है, वो तो चाहते ही था कि आजाद हो जाए और उसके बाद फिर हम अपनी चाल चलेंगे, अपना पासा फेंकेंगे और उसके बाद हैदराबाद को अपने अंडर ले आएंगे, पाकिस्तान तो यही चाहता था। दूसरी चीज ये यूनाइटेड नेशन जाने की इसने धमकी दे दी, लॉर्ड माउंटबेटन को बोल रहा था कि हमको अपने अधीन कर लीजिए, ब्रिटिश के अधीन कर लीजिए, सारी मांगों को ठुकरा दिया गया, ठीक है, तो ये चीज थी। अब क्या है कि निजाम की आर्मी तो बहुत ज्यादा थी नहीं, खाली 24,000 लोग थे और उस समय मिलिट्री एक्शन का भी वक्त आ गया था, कोई रास्ता था नहीं भारत सरकार के पास, इधर या उधर करो या मरो। इनडायरेक्टली पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट था, पाकिस्तान का भी सपोर्ट था, देखिए ये सब इसीलिए अपने इनके खुद के इंटरेस्ट थे। पुर्तगीज के पास गोवा था, वो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो तो हम भी बाहर निकल जाए गोवा लेके, तो इस तरह से थे। लेकिन वही कहे ना कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया। जवाहरलाल नेहरू यहां पे शुरू में मिलिट्री एक्शन से थोड़ा कतरा रहते, वो चाह रहे थे कि अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो सीधा ये पाकिस्तान की तरफ जा सकता है और अगर हैदराबाद पाकिस्तान की तरफ चला गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू को भी मानना पड़ा कि अब हमको मिलिट्री एक्शन करना ही पड़ेगा और कोई भी चारा नहीं है। तो 1948 आते आते 6 सितंबर को ये सारी, मतलब वैसे तो अगस्त लास्ट में ये सारी तैयारी कर ली गई थी और 6 सितंबर आते आते सारी पुलिस फोर्सेस तैनात हो गई। गोडार्ड प्लान को एग्जीक्यूट किया गया जो जनरल थे उस समय, और दो यहां पे स्ट्रैटेजी थी, दो तरीके से हम अटैक करेंगे, दो साइड से, एक तो विजयवाड़ा से ईस्ट में जो पड़ता है और एक सोलापुर से वेस्ट में जो पड़ता है। सोलापुर में जो फोर्सेस हैं वो चार में डिवाइड रहेंगी। सबसे पहले तो स्ट्राइक फोर्स जो सबसे मेन होगी, जिसके पास फास्ट मूविंग इन्फेंट्री, कैवलरी और लाइट आर्टिलरी होगी, इन्फेंट्री पैदल सेना, कैवलरी घुड़सेना, ठीक है। दूसरी स्मैश फोर्स जिनके पास हथियार होंगे। तीसरी किल फोर्स, इन्फेंट्री प्लस इंजीनियरिंग यूनिट्स, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। अगर इन्फेंट्री को, पैदल सेना को, सोल्जर्स को कुछ भी चाहिए तुरंत इधर से सप्लाई होता रहे। और आखिरी वीर फोर्स, ठीक है, जिसमें टैंक और इन्फेंट्री होगी, टिक ही नहीं सकता था इतनी भयानक आर्मी के सामने। उसके बाद फिर विजयवाड़ा से ये मेजर जनरल ए रुद्रा ने इसको कमेंस किया था और भैया हमारी सबसे बहादुर यूनिट गोरखा उनके पास था ये सब कुछ, और उनके सामने तो वैसे ही कोई नहीं टिक पाता है, ये कहां से टिक पाएंगे। तो ये चीज थी और 13 सितंबर को ये अटैक फिक्स हुआ। और दोस्तों ये 5 दिन तक अटैक चलता है, अटैक पे मैं इतना नहीं जाऊंगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और फाइनली 17 सितंबर को ये पूरा कंप्लीट होता है और हैदराबाद का फुल सरेंडर होता है। पता है हैदराबाद के पास अपनी रेल लाइन थी, अपनी टेलीकम्युनिकेशन थी, अपनी इकोनॉमी थी, अपनी मिलिट्री थी, अपना रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वो पूरा एक अलग ही देश था, वो इतना अमीर हो गया था। देखिए इसमें अमीर यहाँ पे ब्रिटिश को भी वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, तो ब्रिटिश को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अमीर कहलाएंगे। और प्रिंसली स्टेट शुरू से ही, मतलब जो डेक्कन सल्तनेट थी वो शुरू से ही काफी अमीर एक तरह से सल्तनेट थी, ठीक है, तो ये चीज है। तो अब 13 सितंबर को ये पूरा स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर 5 दिन तक ये ऑपरेशन चलाया जाता है और फाइनली हैदराबाद सरेंडर कर देता है। रेडियो पे बोल दिया जाता है, जितने भी इसमें वॉयलेंस के जो भी जिम्मेदार होते हैं उन सबके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। मीर कासिम को, कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद फिर इन पे भी मुकदमा चलाया जाता है। इसको रिलीज किया जाता है इसी शर्त पे कि तुम पाकिस्तान चले जाओगे, और उसके बाद में इसने पाकिस्तान ने इस कासिम रिजवी को पनाह दी थी। बहुत बड़ा ये क्रिमिनल था दोस्तों, बहुत बड़ा, ठीक है, कम्युनल वॉयलेंस और हर चीज में ये बहुत आगे रहता था, ठीक है। अब क्या बताएं,
हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़वा दिया था ऐसे लोगों ने, ऐसे इतने नेता हुए हैं कि बेकार में इन दोनों कम्युनिटी जो हमेशा से इतने प्यार से रहती थी, मिलजुल के रहती थी, सालों से एक दूसरों को सपोर्ट करती थी, ऐसी दीवार बना दी है ना कि क्या बताएं। लेकिन फिर वही है ना कि टिट फॉर टैट, इस समय भारत तो बहुत समृद्ध है, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हालत किसी से नहीं छुपी हुई है। तो यही चीज है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाई भारत में भी तो उतने ही मुस्लिम है ना जितने पाकिस्तान में, लेकिन स्टिल सब अच्छे से रहते हैं। रजाकार्स की आर्मी थी, रजाकार्स को पूरी तरह से डिमोलिश किया, भारतीय आर्मी दंदनाते हुए घुसी और सब कुछ, ऑपरेशन पोलो का अंजाम दिया गया और इसमें सरदार पटेल का बहुत ही अहम रोल था। तो ये चीज थी। और फिर उसके बाद रेडियो को पे ब्रॉडकास्ट हुआ कि हैदराबाद ने फाइनली सरेंडर कर दिया है और अब वो प्यारे भारत का हिस्सा है। क्या बात है, मजा आ गई होगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ऑपरेशंस में कवर करता रहूंगा। क्विक रिमाइंडर, 60% ऑफ है 10 नवंबर तक, वैसे ये सेल जो है वो खत्म हो गई है फिर भी, और आप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।